अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है आज की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसका टॉपिक है आज देखेंगे कि नमक जो है वो कितनी किस्म के होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है और इनके नाम क्या क्या हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोजेस व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है वो हर एक बंदे के लिए है, जो कि ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ है, इस्तेमाल कैसे करते हैं पता होना चाहिए और इनके नाम क्या क्या हैं आज सारी तफसील के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोजेस व्यूअर्स, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये है जौंखार। अभी इनके नाम बताऊंगा और इस्तेमाल बताऊंगा। इसको नतरून, जाड़ का नमक, दक्कन और जौंखार नामों से पुकारा जाता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क, दर्जा सोम में होता है। ये काम क्या क्या करता है? ये मुदरबूल होता है। मुदरबूल का मतलब पेशाब आवर होता है, पेशाब आवर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। संग, गुर्दा व मसाना, इससे मुराद के गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकवी मैदा और हाजम होता है। मुखरज बलगम होता है, बलगमी खांसी में मुफीद होता है। अब बात करते हैं जी दूसरा नमक। दूसरा नमक है जी नमक शीशा। इसे कांच लून, ट्रांसपेरेंट साल्ट, या नमक शीशा के नाम से पुकारा जाता है। ये कदरे सख्त होता है और नमक सांदा का वो हिस्सा है। नमक सांदा कहते हैं आम नमक को, जो हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आम नमक का वो हिस्सा है जो शीशे की तरह शफाफ होता है। इसको अद्वियाती इस्तेमाल के लिए तरजीह दी जाती है। तीसरे नंबर पर आ गया जी नमक सांबर। नमक सांबर, इसके नाम देख लेते हैं किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है। इसको नमक आबगीर कहते हैं, सांबर लून कहते हैं, लेक साल्ट कहते हैं। ये नमक राजपूताना की मशहूर झील सांबर के पानी को गढ़ों में खुश्क करके तैयार किया जाता है। इसका जायका खुशबू खुशगवार मगर कदरे तेज़ होता है। ये भी अद्वियाती तौर पर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। यह नमक सांबर, नमक सांबर जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है, बाकी मैंने आपको नाम इसके बता दिए। अच्छा, ये है नमक स्या। आम इस्तेमाल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके नाम देख लेते हैं, इसको कहते क्या क्या हैं। इसको सनुचर नमक कहते हैं, सोनचल नमक कहते हैं, काला नमक, ब्लैक साल्ट, ये सारे इसके नाम हैं। अब देखते हैं कि ये काम क्या क्या करता है और किस लिए इस्तेमाल होता है। मोजेस व्यूअर, ये हाजम चूर्णों वगैरह में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। ये हाजम होता है, मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाजम के लिए हम इसको बतौर फकी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मसनू नमक सज्जी और आम नमक से बनाया जाता है। ये है जी संधा नमक। संधा नमक से मुराद आम नमक, जो हम आम अपने हर रोज़ अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वो नमक है। इसको संधा नमक भी कहते हैं। आम नमक हमारे इस्तेमाल में जो होता है वो यही होता है। इसको नमक लाहौरी, रॉक साल्ट कहते हैं। ये खेवड़ा वगैरह से हासिल किया जाता है। ये सुर्ख रंग में भी होता है और सुर्खी मैल में भी होता है और सफ़ेद रंग में भी होता है। दोनों एक ही हैं, हम घरों में
इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। मोजेस व्यूअर, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।